ओके गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। तो हम लोग ना अब कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इसके। तो जैसे हमने प्रोडक्शन फंक्शन को पूरा कंप्लीट कर लिया, अब उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखिए, आपको दे रखा है लेबर और टीपी और बोलता है एमपी और एपी फाइंड आउट करो। तो भाई अपने को फॉर्मूला तो पता ही है, यहां पे अपने को एमपी फाइंड आउट करना है। अब एमपी का फॉर्मूला क्या है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। और एपी का फॉर्मूला क्या है? टीपी अपॉन एन, जो भी लेबर यूनिट है, टीपी अपॉन एल जो भी लेबर यूनिट है उसको कर देंगे डिवाइड। तो पहले केस में जीरो जीरो में तो डैश हो जाएगा। पहले यूनिट का टीपी एमपी एन एपी हमेशा सेम रहता है। ओके, अब चालू करते हैं। 10 और 34 का डिस्टेंस है, डिफरेंस है 24। इन दोनों का डिफरेंस है 39, 41। इन दोनों का डिफरेंस है 5। इन दोनों का डिफरेंस है 0 और इन दोनों का डिफरेंस है -8। तो ये तो हो जाएगा आपका एमपी। और एपी डिवाइड करना है, 10 अपॉन 1 10 आ जाएगा, 34 अपॉन 2 17, 75 अपॉन 3 25, 80 अपॉन 4 20, 80 अपॉन 5 16, 72 अपॉन 6 ये आएगा 12। सो दैट इज योर आंसर। कोई डाउट? चलिए दूसरा करते हैं। लेबर दे रखा है, एपी दे रखा है, बोलता है टीपी एंड एमपी निकालो। सो अगर इस पे फॉर्मूला लगाए तो टीपी इज इक्वल्स टू एपी मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, लेबर। और एमपी तो भैया टीपी से ही निकलेगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। तो यहां पे कभी भी आप एपी से एमपी नहीं जा सकते, ना एमपी से एपी आ सकते हो, पहले टीपी जाना ही पड़ेगा। ओके, तो कितना है? 4 इंटू 10 40, 12 इंटू 5 60, 15 इंटू 6 90, 10 इंटू 7 70, 5 इंटू 8 40। अब एमपी कैसे निकालेंगे? इनके डिफरेंस है, तो सर इसको डैश लगा दो। सर इसको डैश क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता ही नहीं है इस यूनिट पे एमपी क्या है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो सर वो 40 नहीं आ जाए, कैसे आएगा? वो फर्स्ट यूनिट पे होता है। क्या ये लेबर का पहला यूनिट है? लेबर का पहला यूनिट होता तो पता होता ना भाई, वन पे वो सेम होते तीनों, अदरवाइज नहीं। इसलिए दोनों का डिफरेंस 20, इन दोनों का डिफरेंस 30, इन दोनों का डिफरेंस -20, इन दोनों का डिफरेंस -30। दैट इज योर आंसर। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में मिसिंग वैल्यूज निकालनी है अपने को। सर पहले पे तो एक काम करो, पहले पे तो तीनों को 10 10 10 लिख दो, बड़ा आसान हो गया ये। सर एमपी को जोड़ो, जोड़ते टीपी आ जाएगा, 10 प्लस 12 22, टीपी आ गया। सर 22 डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो 11 आ जाएगा एपी। बस फॉर्मूले का खेल है। ये कितना है? 30, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो 8, 30 अपॉन 3 सर 10। अब सर 30 में ये 4 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 34। 34 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? सर 34 डिवाइडेड बाय 4 सर 8.5। भाई 34 डिवाइडेड बाय 2 17, 17 का तो सर डिवाइड बाय 2 8.5 आ जाएगा। ओके फाइन। अब यहां पे दे रखा है 6, 6 इंटू 5 सर 30, और इन दोनों का डिफरेंस सर -4। भाई -4 हो गया ना, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है सर। अब आ जाएगा आपका 24 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है? 6, 4, 4 भाई 24 डिवाइडेड बाय 6 4 हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? -6 हो गया। बस हो गया खत्म। आया समझ में? तो हम लोग को एक दूसरे के साथ इसको, ठीक है, मैच करा के निकालना पड़ता है। अब यहां पे देखिए, फाइंड आउट द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन। तो कितना आएगा क्यू, मतलब प्रोडक्शन कितना आएगा, क्वांटिटी कितनी आएगी जब दो लेबर है और दो कैपिटल का स्क्वायर है, कैपिटल का स्क्वायर है। और यहां पे केस नंबर 2 बाद में देखेंगे, पहले केस नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये बड़ा आसान है, आपके बेसिक मैथ्स वाली बातें हैं। तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, बस
वैल्यू पुट करनी है, 2 इंटू लेबर कितना है 5, 5 का स्क्वायर ठीक है मल्टीप्लाइड बाय के, के है कैपिटल, कैपिटल का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू, पहले स्क्वायर को सॉल्व कर लो, ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 25, 2 इंटू 25 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो बोलो इसका टोटल कितना आया। सर 25 इंटू 16 400 इंटू 2 800, या 25 इंटू 16 कितना होता है 25 इंटू 10 250, 16 400, 400 इंटू 2 800, सर 800 आएगा क्या इसका प्रोडक्शन, चेक कर लीजिए कि आर वी गेटिंग 800 आंसर। ठीक है दूसरा वाला करते हैं, केस नंबर 2 देखिए। सर Q इज इक्वल्स टू 2 L स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 0 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 100, तो सर आंसर आ जाएगा 0। सर इसका अगर सिग्निफिकेंस एग्जाम में पूछ ले तो क्या बोलेंगे, इसका सिग्निफिकेंस अगर एग्जाम में पूछ ले इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि तुमने पैसा तो लगा दिया है, फिक्स्ड फैक्टर भी है, मगर वो खाली पड़ा है, तुम्हारे पास काम करने के लिए लेबर नहीं है, तो काम करने के लिए लेबर नहीं होगा तो फिक्स्ड एसेट खुद ब खुद तो काम करेगी नहीं, क्योंकि क्या होना चाहिए, सारे फैक्टर्स एक जगह पे इकट्ठे होने चाहिए, क्या क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, तो यहां पे लेबर ही नहीं है तो प्रोडक्शन करेगा कौन, कोई नहीं कर सकता, इसलिए प्रोडक्शन जीरो है। यह है इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस, समझ आया। चलिए वाइंड अप करते हैं क्लास, नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। थैंक यू।